नमस्कार, मैं हूं शिखा रस्तोगी और आप देख रहे हैं के न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। ग्रेटर नोएडा के बिल्डिंग हादसे को अभी तक लोग भूले भी नहीं थे कि एक और बड़े हादसे को बिल्डर चुनौती दे रहे हैं। एक तरफ बेसमेंट में खुदाई करके पानी भर दिया गया, दूसरी तरफ बगल में बड़ी बिल्डिंग खड़ी है जिसमें कभी भी हादसा हो सकता है। दरअसल कासना थाना इलाके के बीटा 2 में नई बिल्डिंग बनाने के लिए चल रहे बेसमेंट की खुदाई के दौरान बारिश का पानी इकट्ठा हो गया, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने जमकर हंगामा किया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह स्थिति को काबू में किया। फैमिलियां भी अपने फ्लैटों से बाहर आ गई है और बहुत ही सकते हैं, यहां पे पानी की और सीवर की दोनों लाइनें टूट गई, इसमें गिर गई है प्राधिक। पार्क डिवाइन सोसाइटी में रहते हैं, ये जी ब्लॉक है, 230 फ्लैट नंबर, प्लॉट नंबर है, जहाँ बिल्डर जो है अपनी मनमानी कर रहा है और सबके साथ मिला हुआ है। जी ब्लॉक है ये। ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। संवाददाता अजय ठाकुर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अजय, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, प्रशासन इस कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ग्रेटर नोएडा में अभी हाल ही में सावेरी में एक मामला आया था जिसमें दो इमारतें गिर गई थी और उसमें 9 लोगों के मौत हो गई थी। उसके बाद 24 घंटे भी नहीं बीतते थे रेस्क्यू खत्म होने के बाद, 24 घंटे में नहीं बीतता है कि कासना थाना क्षेत्र के अंदर 13 मंजिला इमारत थी जिसके पास में गड्ढा बेसमेंट खोदा जा रहा था, जिसके चलते हड़कंप मच गया पूरे ही क्षेत्र में। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने जो है लोगों को शांत कराया। शांत कराने के बाद जो है मामले की तफ्तीश की जा रही है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रशासन जो है सावेरी मामले में भी अभी तक शांत बैठा हुआ है। सावेरी के बाद जो बिल्डिंग टेढ़ी हुई सावेरी में, उसमें भी मामले का शांत बैठा हुआ है, जहां तक है पूरी तरीके से जो प्रशासन है वो मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। जी अजय, जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। यहाँ पे देख सकते हैं फैमिलियां भी अपने फ्लैटों से बाहर आ गई है और बहुत ही